Cocktails India and I am your host, Dada Bartender. Friends, आज मेरे पास है Royal Stag Barrel Select. काफ़ी दिनों से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि Barrel Select के ऊपर एक रिव्यू हो जाए, तो हाजिर हूँ आपके लिए. जानेंगे काफ़ी कुछ Royal Stag Barrel Select के ऊपर. एक्चुअली Royal Stag Barrel Select विस्की जो है, ये क्या डिफरेंस है रेगुलर Royal Stag के साथ, वो सबसे बड़ा टॉपिक है और उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे. साथ में आप अगर ध्यान करेंगे तो यहाँ पर लिखा है सुलेरा प्रोसेस, ये एक्चुअली क्या है, ये भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे. साथ में और भी जानेंगे कि अंदर में जो ब्लेंड है वो ब्लेंड किस किस प्रोडक्ट का ब्लेंड है, जैसे कि ये क्या ग्रेन है, क्या इसमें रम भी मिला हुआ है, ऐसा बहुत कुछ जानेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं रिव्यू Royal Stag Barrel Select का. वेलकम बैक फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, Royal Stag Barrel Select का हम लोग कर रहे हैं आज रिव्यू. पहले आपको बता देता हूं कि ये जो विस्की है वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग विस्की है इंडिया में, और ये बनाता है Pernod Ricard कंपनी. Pernod Ricard का 160 ईयर्स का ग्लोरियस हिस्ट्री है लिकर इंडस्ट्री में. बहुत पुराना एक कंपनी है जो फ्रेंच कंपनी है, और उसी की अंडर में बनता है ये Royal Stag Barrel Select. तो एक बहुत ही अच्छा रेपुटेशन Royal Stag कैरी करता है, और Royal Stag बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है. जैसे कि हम लोग जब इनिशियल स्टेज में अल्कोहल पीना चालू किए थे, तो शायद यही था जो इंग्लिश दारू बोल के हम लोग पूछते थे. ये विस्की एक ब्लेंडेड विस्की है, और ये तीन चार डिफरेंट काइंड ऑफ विस्की को यहाँ पर ब्लेंड किया गया है. अब अगर ब्लेंड का बात करूँ तो डेफिनेटली आपका ये मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें क्या रम है. मैं बोलना चाहूँगा कि जी हाँ, इसमें रम है, और इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इतना सुंदर एक बॉटल है, इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है देखने में, मगर चार्ज कितना कर रहा है, सिर्फ 550 रुपीज़. तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें सिंपली नेचुरल विस्की होगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसमें भी रम ब्लेंडेड है. अब इसमें क्या लिखा है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो लिखा है वो लिखा है कि इट्स ब्लेंड विथ न्यूट्रल ग्रेन स्पिरिट एंड सिलेक्टेड स्कॉच माल्ट विस्की. ये जो न्यूट्रल ग्रेन स्पिरिट है इसमें काफ़ी दोहराए हैं, हम लोग काफ़ी वीडियो बना चुका है, आई बटन में क्लिक हो रहा है, आप जाके देख सकते हैं कि न्यूट्रल स्पिरिट जो है इंडिया में वो एक्चुअली बनता है मोलासेस से, और मोलासेस से कुछ भी चीज़ बनता है तो हम लोग उसको डायरेक्टली रम बोलते हैं, नॉट विस्की. और उसको अगर कलर करके इस बॉटल में डाला जाएगा तो वो बन जाएगा रम विस्की. तो ऐसा ही कुछ है Royal Stag के साथ भी, इसमें भी न्यूट्रल स्पिरिट का मिक्स है. हाँ, परसेंटेज का अगर बात करें तो मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, मगर काफ़ी अमाउंट में इसमें रम मिक्स है. साथ में इम्पोर्टेड स्कॉच विस्की है, इवन इंडियन ग्रीन स्पिरिट भी है, और इसी को कंबाइन करके मिक्स करके आपको ये ब्लेंड सर्व किया जाता है. अब हम लोग जानेंगे कि Royal Stag रेगुलर विस्की के साथ बैरल सिलेक्ट का क्या डिफरेंस है. बैरल सिलेक्ट लिखने का मतलब है कि सिलेक्टेड बैरल को चुन के वहाँ पर विस्की को मैच्योर करके इस विस्की में वो ब्लेंड को डाल के मिक्स करके आपके सामने हाजिर किया गया है. अब ये सिलेक्टेड बैरल क्या है? जब भी हम लोग विस्की को मैच्योर करते हैं तब हम लोग बैरल में मैच्योर करते हैं, और यहाँ पर जो विस्की है आपके सामने, ये जो स्कॉच विस्की स्पेशली इसमें ब्लेंड है, वो अमेरिकन ओक बैरल में उसको मैच्योर किया गया है, और वो भी चुन के बेस्ट बैरल को यहाँ पर मैच्योर किया गया है, और उसी बैरल से जो विस्की मिला उसी को यहाँ पर ब्लेंड किया गया है. इवन ये जो इंडियन न्यूट्रल स्पिरिट है और आपका जो इंडियन ग्रेन स्पिरिट है उसको भी बैरल चुन के वहाँ पर डाल के उसको मैच्योर करके फिर यहाँ पर ब्लेंड किया गया है. तो इसीलिए लिखता है बैरल सिलेक्ट. अब इसमें एक बहुत बड़ा टेक्निक काम करता है जो स्पष्ट अक्षरों में इस बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है, वह है सोलेरा प्रोसेस. अब ये सोलेरा प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा ध्यान करके समझिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा. सोलेरा प्रोसेस एक प्रोसेस है जहाँ से विस्की को बेसिकली एजिंग किया जाता है थोड़ा सा जल्दी. ध्यान करके सोचिए कि विस्की जब मैच्योर करते हैं तो जो वुडन कास्क होता है या बैरल होता है उसको रैक वाइज सजाया जाता है. नीचे का रैक से लेकर टॉप तक जो रैक होता है उसमें से
टॉप यानी ऊपर का जो रैक है वो बहुत सनलाइट की कांटेक्ट में आता है बहुत और काफ़ी जल्दी मैच्योर करता है क्योंकि सनलाइट जितना इंटरेक्शन करेगा बैरल के साथ उतना ही वो मैच्योर हो जाता है विस्की। अब नीचे का जो बैरल्स है वो उतना सनलाइट की कांटेक्ट में तो आता नहीं है तो अभी क्या होता है वो उतना मैच्योर होता नहीं है। अब सोलेरा प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है टॉप का जो रैक है उसका विस्की को नीचे का रैक जो है उसी के साथ मिक्स किया जाता है सो दैट नीचे का जो रैक है वो भी थोड़ा सा जल्दी एज्ड हो जाए। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस करने का एक ही मतलब है कि जो कंसिस्टेंसी है प्रोडक्ट का जो फ्लेवर प्रोफाइल है जो नेचुरलिटी है वो कंटिन्यू रहे तो इसीलिए इस प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है और इसी प्रोसेस को अप्लाई करके रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट को बनाया जाता है और इसीलिए यहाँ पर लिखा है सोलेरा प्रोसेस। और सोलेरा शब्द का जो मतलब है वो है स्पेनिश भाषा में ऑन द ग्राउंड यानी नीचे की तरफ यूजुअली बैरल को यूज़ किया जाता है इसीलिए सोलेरा प्रोसेस। सो चलिए अभी हम लोग इस बॉटल को खोलते हैं पोर करते हैं और नोज करके आपको बताते हैं कि इसका नोज में क्या क्या फ्लेवर मिलने वाला है। रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट का ये जो बॉटल है ये बहुत ही फैमिलियर है रॉयल स्टैग का जो पिछला बॉटल है रेगुलर बॉटल उसके साथ। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर डिज़ाइन का चेंज है बॉटल का शेप थोड़ा सा चेंज हो चुका है नीचे की तरफ थोड़ा सा नैरो हो चुका है और नेक जो है थोड़ा सा और लंबा हो चुका है। डिज़ाइन एक इंटरनेशनल लुक दे चुका है रॉयल स्टैग का ये बैरल सिलेक्ट प्रोडक्ट को। एक्चुअली ये जो डिज़ाइन है इस बॉटल को डिज़ाइन किया है इंटरनेशनल ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग कंसल्टेंट कार्टिल्स। जी हाँ बहुत ही फेमस एक कंपनी है जिन्होंने इस बॉटल को रीडिज़ाइन किया है मैं बोलूँगा। हालांकि ध्यान में रखा था रॉयल स्टैग का जो ओरिजिनल शेप है उसको ज़्यादा ना बदले और एक इंटरनेशनल लुक्स का बॉटल दे। यार 550 में इतना सुंदर बॉटल कभी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते यार बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अच्छा देखा जाए तो यहाँ पर रॉयल स्टैग का ब्रांडिंग किया गया और ये है आप बैरल सिलेक्ट और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है सोलेरा प्रोसेस जो अब तक मैं आपको बताया था कि क्या है इसका प्रोसेस। और इधर देखेंगे तो यहाँ पर बैरल सिलेक्ट का थोड़ा सा पॉपअप होकर आया है ग्लास बॉटल में ही और पीछे ये साइड में देखेंगे तो वैसे ही कुछ है और पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बोलने लायक है कि इसका प्राइस 550 रुपीज़ 550 रुपया वेस्ट बंगाल में। ये एक ऐसा मैं बोलूँगा कि ये एक डिलक्स एंड प्रीमियम जो रेंज है इन दोनों का बीच का रेंज है तो 550 वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्सिबल प्राइस जहाँ पर आपको ये विस्की ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 75% प्रूफ है 42.8% अल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है और ये जो बॉटल है ये 750 ml का बॉटल है। तो बस इसको अभी डालते हैं ग्लास में। सो रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट विस्की और इसका जो कलर है मैं बोलूँगा कि ये उतना इसे गोल्ड कलर बोल सकते हैं आप ये लाइट गोल्ड बोल सकते हैं आप और ये जो कलर है इसमें आर्टिफिशियल कलर को ऐड किया गया है INS 150A जो कैरमल कलर है इसी को यहाँ पर ऐड किया गया है। और मैं बोलूँगा कि एक बेस्ट पार्ट भी है कि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर को ऐड नहीं किया गया है जो मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगा रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट को कि यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है हालांकि कलर थोड़ा सा है। अभी इसको करते हैं हम लोग नोज। ये बहुत ही एग्रेसिव एक विस्की है बहुत ही एग्रेसिव मैं बोलूँगा क्योंकि जैसे ही नोज के सामने ला रहा हूँ तो एकदम बापड़े बापड़े बाप बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये। फ्लेवर का बात करें तो बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली ये जो ऐसा जो इंडियन विस्कीज़ है ये देखिए 550 का अगर बात में रखते हैं दिमाग में जो 550 का एक विस्की आप नोज कर रहे हो तो आपको आपका जो सोच है वो थोड़ा सा सोचना चाहिए नीचे की तरफ। इतना एक प्रीमियम प्रोडक्ट इतना सुंदर एक बॉटल इतना बड़ा पैकेजिंग के साथ क्या विस्की आपको दे सकता है क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत ही अच्छा विस्की दे देगा बिल्कुल नहीं।
क्वाइट इम्पॉसिबल, बहुत ही इम्पॉसिबल है, मगर फिर भी 550 में आपको जो विस्की डिलीवर करता है रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट काफ़ी अच्छा है। उस हिसाब से अगर सोचिएगा तो मैं बोलूँगा ये ओवर पावर्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और मैं एक रिकमेंड करूँगा कि ऐसा विस्की को अगर आप नोस करते हैं तो हमेशा आपको थोड़ा सा वाटर को मिलाना चाहिए, अगर चिल्ड है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप थोड़ा सा इसमें यूज़ कर लीजिए वाटर थोड़ा सा। इसमें क्या होगा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नोज करना चाहेंगे, ये जो ओवर पावर्ड विस्की है ये थोड़ा सा अपना अल्कोहल परसेंटेज को डिक्रीज करेगा, ये कम डाउन हो के, यानी अभी तो 42.8 अल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो ये कम हो के 39 की करीब करीब आ जाएगा। अब अगर आप इसको नोज करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर लगेगा, स्पेशली ये और ये सब विस्की के साथ। मैं ये नोज जो कर रहा हूँ ये करना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऐसा विस्की में आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, फिर भी ये तो एक प्रोसेस है जो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर एक बार नोज करके देखते हैं पानी मिलाने के बाद कैसा लग रहा है। हाँ फिर भी थोड़ा सा माइल्ड तो हुआ, ये तो मानना पड़ेगा, काफ़ी माइल्ड लग रहा है, हालांकि बहुत ही ओवर पावर्ड विस्की है। फ्लेवर का बात करें तो बहुत मुश्किल से मुझे थोड़ा सा ओक नोट और पीट नोट मिल रहा है, बहुत बहुत कम, ज़्यादातर जो है वो यंग स्पिरिट का मिल रहा है, आप बोल सकते हो कि न्यूट्रल स्पिरिट का फ्लेवर या थोड़ा मोलसस का भी फ्लेवर यहाँ पर मिल रहा है। ओके सो पैलेट में देखते हैं क्या लगता है। बर्निंग इफेक्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, गले से जब नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको एहसास दे रहा है कि मैं हूँ। क्या बोलूँ अभी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विस्की है फ्रेंड्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और फ्लेवर प्रोफाइल का बात करें तो पैलेट में ये वेल बॉडीड है और ये बहुत क्विक फिनिश है, कुछ भी नहीं है अंदर में, कुछ भी नहीं रह रहा है। तो ओवरऑल इम्प्रेशन का अगर बात करें फ्रेंड्स, ये जस्ट गुड विस्की, आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो फ्रेंड्स। तो बस यही था आज रॉयल स्टैग के ऊपर छोटा मोटा इन्फॉर्मेशंस, शायद आपको अच्छा लगा होगा। आई थिंक इट्स बैरल सिलेक्ट नॉट रॉयल स्टैग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून इन द न्यू कॉकटेल, न्यू मॉकटेल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। रिमेंबर, don't drink and drive.